विशेष लड्डू की। तो अयोध्या की बात, जहां अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बाबा महाकाल की नगरी से खास उपहार जा रहा है। बाबा महाकाल की नगरी में बने 125,000 लड्डू आज अयोध्या भेजे गए हैं। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल से 500,000 लड्डू अयोध्या रवाना किए। ये लड्डू जैन से भोपाल लाए गए थे। लड्डू प्रसाद वाले ट्रकों को रवाना करने से पहले मानस भवन में भव्य कार्यक्रम हुआ। बाबा महाकाल का लड्डू प्रसाद 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वितरित किया जाएगा और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से 500,000 लड्डू प्रसाद के रूप में अयोध्या पहुंचने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी। तो पिछले 6 दिनों से महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की लड्डू निर्माण इकाई में लड्डू बनाने और पैकिंग का काम जारी था। मंदिर समिति के कर्मचारियों ने 5 से 6 दिन में 500,000 लड्डू प्रसाद के रूप में तैयार किए और पैकेट में पैकिंग भी कर दी। हर लड्डू प्रसाद को अलग बॉक्स में रखा गया है। एक बड़े बॉक्स में 448 छोटे प्रसाद के बॉक्स रखकर पैकिंग की गई है। तो बड़े बॉक्स की संख्या करीब 11,121 और इस तरीके से खास लड्डू अयोध्या में प्रसाद के रूप में आपको मिलेंगे। तो 3 दिन शेष है और ये लड्डू काफी विशेष है क्योंकि ये बाबा महाकाल की नगरी से अयोध्या भेजा जा रहा है। 22 जनवरी के दिन जब राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये लड्डू प्रसाद के रूप में वहां पर मौजूद राम भक्तों को वितरित किए जाएंगे। और इसी उपलक्ष्य पर, इसी मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। एक तरह से आज का जो हमारा आयोजन है ये उसका ही एक रूप है कि जब भगवान स्वयं गर्भगृह में जा रहा है तो महाकाल कैसे अपने आशीर्वाद के साथ लड्डू नहीं भेज सकते। वो आनंद तो भगवान महाकाल को सबसे ज्यादा होगा, ये उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि जो भगवान की प्रसन्नता होगी। हम सब जानते हैं कि ये एक बार नहीं, उज्जैन और अपने मध्य प्रदेश की धरती से 2000 साल पहले भी यही घटना घटी थी। और ये मुझे नहीं, मुझे तो अवैधनाथ जी के शिष्य और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि ये जो वर्तमान की अयोध्या का रूप है या इसका जो स्वरूप भौगोलिक दृष्टि से, ये 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य के काल में ये पूरी अयोध्या को जीर्णोद्धार करके वापस नया रूप देकर, और ये जो मंदिर भी 84 काले कसौटी का खंभे वाला मंदिर, ये मंदिर भी सम्राट विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया। करने के मामले को भी जाने अनजाने क्यों विवाद में बनाते, परमात्मा ही जाने। मंदिर बनाने वाले मंदिर बना रहे, भगवान के प्रतिष्ठा करने वाले प्रतिष्ठा करा रहे। अब प्रेम से निमंत्रण दो तो निमंत्रण पे भी प्रश्न उठाते और निमंत्रण ठुकराने के भाव लाते हैं। क्या दुर्भाग्य, परमात्मा ऐसा अभागा तो कोई पृथ्वी पे कौन हो सकता, लेकिन ये अभागे तो है ही है और एक बड़े दल के नेतृत्व करता भी। और आइए आप ग्राफिक्स के जरिए भी समझ लेते हैं कि क्या पूरा मामला है। 3 दिन शेष लड्डू विशेष, जहां उज्जैन से अयोध्या भेजे गए 500,000 लड्डू महाकालेश्वर मंदिर से लड्डू रवाना हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने लड्डुओं को रवाना किया जो कि ट्रकों में बॉक्स में भरे हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा पर वितरित ये लड्डू किए जाएंगे। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन से ये प्रसाद प्राण प्रतिष्ठा के दिन 22 जनवरी को रामलला की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के इस खास मौके पर राम भक्तों को वितरित किया जाएगा। अयोध्या को उपहार क्यों खास है ये भी समझ लेते हैं। शुद्ध देसी घी से ये लड्डू बने हुए हैं और देखिए देसी घी के साथ साथ ड्राई फ्रूट वाले 500,000 लड्डू मंदिर समिति ने तैयार किए हैं। 80 क्विंटल घी, 90 क्विंटल शक्कर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। साथ ही 70 क्विंटल चना दाल, 20 क्विंटल रवा का उपयोग हुआ, 10 क्विंटल काजू, 5 क्विंटल किशमिश और 1 क्विंटल इलायची। करीब 100 कर्मचारियों ने इन लड्डुओं को तैयार किया है और हर लड्डू का वजन करीब
50 ग्राम है। तो आपने देखा समझा कि कितनी खासियत है। ड्राई फ्रूट्स इस्तेमाल हुए हैं, क्विंटल 10 क्विंटल काजू, 5 क्विंटल किशमिश, 1 क्विंटल इलायची और करीब 100 कर्मचारियों ने इन्हें अपने हाथों से बनाए हैं। शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करके ये लड्डू उपहार के रूप में अयोध्या नगरी भेजे गए हैं, बाबा महाकाल की नगरी से। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे।